रानी मुझे माफ कर दीजिए कि हमने आपकी भूख को ऐसे फेंका देखिए हम जानते हैं कि आप हमारे ऊपर बहुत क्रोधित हैं लेकिन हमने जानबूझकर नहीं किया उसमें छिपकली है ऐसी हरकत कभी भी नहीं करते तेरे छूने से हट हाँ हमारे सामने से उधर देवी वो भी तुम्हें देख रही है लड़की ने पहले हमारी पूजा बंद कर दी और आज हमारा व्रत किसने रखा इसे काम पे अब हमारा विश्वास ये सब साबित हो जाएगा तुमने फोन में छिपक गिरते हुए देखी थी हेलो एवरीवन माय नेम में साची तिवारी मैं अनमोल का किरदार निभाती भाती हूँ और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ टेली रिपोर्टर्स हो ये रहा है कि हमारे सीरियल में आया है एक नया ट्विस्ट और वो ट्विस्ट है रानी माँ और रानी माँ रजत जी की दादी हैं और हुआ ये है कि जो रजत जी की दादी हैं तो उन्हें दूसरी बीवी ये सुनकर पता नहीं उनको एक अलग कुछ वो थाट में चली जाती हैं वो थाट क्या है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है वो कोई नहीं जानता सिवाय रानी माँ के तो उनको मचती है कि दूसरी औरत ऐसा और अभी तक उन्हें पता नहीं है कि मृदुला ने क्या क्या किया है मेरी शादी उनसे कैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता है तो अभी मुझे घर में सबसे छुपाया जा रहा है तो मैं बाई बनी हुई हूँ और मैं घूंघट डाली हुई थी और सारे काम मैं घर में ऐसी ही थी मैं बाई बनी हुई थी सो दैट मैं रानी माँ से छुप छाप के रहूँ लेकिन आज मैं सच्चाई सामने आई गई आज रानी माँ ने मुझे देख ही लिया और हालत Uh, कुछ इस तरह की हुई है मेरी कि uh, मुझे रानी माँ के सामने गुड इम्प्रेशन जमाना चाहिए था कि मतलब दूसरी बीवी भी, भी आई है तो बहुत अच्छी है लेकिन uh, दूसरे सर्कम्स्टेंसेज में हम लोग आ गए हम लोग का झगड़ा हो गया मैंने uh, अनमोल तरीके अंदाज़ में उन्हें सुना दिया मतलब बेजती नहीं की लेकिन उन्हें समझाया तो उनके ऐसे ईगो को हर्ट पहुंच गया कि मतलब मैंने ऐसा ऐसा कहा मेरे लिए कोई ऐसा ऐसा बोला तो हमारी फर्स्ट मीटिंग ही लड़ाई झगड़े से स्टार्ट हुई दूसरी मीटिंग भी हुई तो वो फिर से मेरे ऊपर चिल्लाई दी थी और फिर तीसरी भी जैसा कि आप देख रहे हैं फिर से चिल्लाई रही हैं तो तूफ़ानी हो रहा है अनमोल के ज़िंदगी में कुछ सही नहीं हो रहा है तो अब देखते हैं कैसे सब कुछ होता है रानी माँ मुझे एक्सेप्ट करती हैं या नहीं वो एक्चुअली हुआ ये है कि राजा जी के ऊपर बहुत एक बुरा संकट आने वाला है ऐसा रानी माँ का कहना है उन्होंने उनकी कुंडली वगैरह चेक की तो उस पर लिखा हुआ था कि उनके ऊपर कुछ बहुत बड़ा संकट आने वाला है तो रानी माँ उनके लिए पूजा रखी तो पूजा के लिए वो बहुत सारे आ, सामग्री तैयार की और अपने हाथों से की और उन्होंने मौन व्रत धारण किया था और मैंने भी सेम व्रत किया सिवाय मौन व्रत रखने क्योंकि मैं तो चुप नहीं रहने वाली तो उन्होंने भोग वोग बनाया था तो भोग में भुआ जी किया ऐसा कि उनको तो चिड़ बचती है मुझसे कि नहीं वो अनमोल को ऐसे खुशी खुशी तो देख नहीं सकती तो उन्होंने किया ये कि रानी माँ वो चाहती थी कि रानी माँ फिर से अनमोल अनमोल पर भड़के और उसको घर से बाहर निकाल दे जो इवेंचुअली शायद नहीं मैंने नहीं बताऊंगी आप देखना उसके लिए मैंने बताऊंगी ऑलमोस्ट बोलने वाली थी मैं तो भोग बनाया था और बुआ ने उस भोग में छिपकली डाल दी और उस छिपकली को मैंने देखा तो फिर मैं बचाने के लिए गई बट जब तक मैं बचा थी तब तक पता नहीं कैसे सुपर पावर से बुआ वो वापस छिपकली ले ली और फिर वो भो, भोग को मैंने गिरा दिया फिर जब मैं प्रूफ करने गई तो मैं प्रूफ नहीं कर पाई फिर बस बाकी तो आप जानते हो धमाका तो मुझे भी नहीं पता लेकिन मुझे पक्का पता है कि अनमोल कुछ ना कुछ करके रानी माँ को मना ही लेगी लेकिन रानी माँ को मनाना तो भाई बहुत मुश्किल है और वो कैसे मनाएगी क्या क्या करेगी उसके लिए ये सब तो मुझे भी नहीं पता वो सब आने वाले वक्त में पता चलेगा तो तब तो बहुत बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं क्योंकि रानी माँ तो इतनी जल्दी से मानने नहीं, नहीं वाली तो मुझे डांट भी पड़ने वाली है मार भी पड़ने वाली है और शायद मुझे कहीं बांधा भी जाएगा और मुझे शायद पनिशमेंट भी मिलेगी और शायद फिर कुछ और भी हो जाएगा अब वो क्या होगा ये जानने के लिए देखिए हमारा सीरियल